नमस्ते, मैं शिवांशा आजमल आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टेस्ट कैंस डिजिट पर आज हम बनाएंगे हेल्दी टेस्टी यम्मी डिलीशियस लड्डू गोभी विदाउट ऑयल एंड घी। कैसे फटाफट से चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमें इंग्रेडिएंट्स में क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए करीबन 150 ग्राम ऑफ मूंगफली, 5 टेबलस्पून ऑफ गुड़ का पाउडर या फिर आप गुड़ ले सकते हैं उसको कद्दूकस करके 5 टेबलस्पून, इलायची करीबन 2 टीस्पून और ये 1 टेबलस्पून ऑफ लाल पोहे का पाउडर। इसका रेसिपी मैं अपने पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लो फ्लेम में रख के गैस में नॉर्मल कढ़ाई ले जाएंगे आयरन ओक। उसमें अभी हम क्या करेंगे, मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें बन ब्राउन का कलर आ जाए या फिर 10 से 15 मिनट तक। ऑब्वियस याद रखिए फ्लेम लो पे ही रखिए और कंटिन्यूसली स्टीयर एंड कुक कीजिए ताकि ये ना जले। आप जब रोस्ट कर रहे होंगे ये एकदम पॉपकॉर्न के जैसे पकने जैसे आवाज करेंगे, पॉपकॉर्न जैसे पॉप पॉप साउंड करते बिल्कुल उसी तरह। इसको कंटिन्यूसली स्टीयर एंड कुक करना है। आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स हमारा मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे मैं गैस को टर्न अप के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, ठंडा होने के बाद मूंगफली को इसे हाथ में रब करके सीव करके छिलके को अलग कर दीजिए या फिर सिंपल छिलके के साथ ग्राइंड अप कीजिए। मैं यहाँ पे छिलके के साथ ग्राइंड अप की क्योंकि अच्छा ब्राउन कलर आएगा। अब क्या करेंगे, इस फाइन पेस्ट को बाउल में डाल देंगे। अब ये गया हमारा रेड पोहा का पाउडर, इलायची का पाउडर, गुड़ का पाउडर या फिर आप कद्दूकस गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए व्यूअर्स, पीनट को एकदम फाइन पेस्ट तक उसको ग्राइंड अप करना है क्योंकि इसी की वजह से ही हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड होंगे। अब ऐसे आप चेक करेंगे, देखिए हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड हो रहे हैं क्योंकि जब हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं उसमें ऑयल रिलीज होता है और ग्राइंड अप करने के बाद ये और चिकना बन जाता है, इसलिए हमें ऑयल और घी की जरूरत नहीं है। वाओ, देखिए कितना सुंदर हेल्दी लड्डू विदाउट ऑयल घी। हैव दिस हेल्दी डिलीशियस पीनट लड्डू ऑन दिस नवरात्रि। आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस रेसिपी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर नजर घुमा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट माई क्लास, कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।